आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीआरएस अभी तक हमने पढ़ा था, फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट कर ली थी। जरा ध्यान से सुनना, जब स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिलता था क्वेश्चन के अंदर, कैश बुक बेस ऊपर लिखा होता, कैश बुक का बैलेंस है। हाँ, कभी फेवरेबल तो कभी अनफेवरेबल। फेवरेबल बोले तो कैश बुक का ये वाला बैलेंस, जरा चेक कीजिए, मैं बना के भी बता रहा हूं। कैश बुक के अंदर अगर फेवरेबल बैलेंस है मतलब डेबिट साइड का बैलेंस है, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है यानी कि क्रेडिट साइड का बैलेंस, इसे पॉजिटिव बोलते थे, इसे नेगेटिव। कैश बुक आपने पढ़ रखा है, राइट? अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होता था, आप कुछ पॉइंट्स को क्या करते थे, प्लस, और कुछ पॉइंट्स को क्या करते थे, माइनस, और एंड में रिजल्ट आता था बैलेंस एज पर। आज की क्लास में सबसे शानदार बात क्या है, जब स्टार्टिंग बैलेंस रिवर्स पासबुक के अकॉर्डिंग दे रखा हो, when starting point is given according to passbook, यानी कि अगर पहला starting point अगर आपको passbook दिख जाए, it is just like that कि ये बीकानेर स्टेशन है और ये दिल्ली है। तो अभी तक हम रोज बीकानेर से कहां जा रहे थे, सीधे रास्ते चल रहे थे दिल्ली, और आज हमें दिल्ली से लौट के वापस कहां आना है? सर कैसे पता चलेगा ये? It depends on the starting point. आप जब क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ेंगे, या तो आपको बैलेंस दिखेगा कैश बुक ओरिएंटेड, या फिर इसमें भी दो सिचुएशन हो सकती है, या तो फेवरेबल बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस। और पासबुक के अकॉर्डिंग भी कितनी सिचुएशन हो सकती है, फेवरेबल या अनफेवरेबल। तो सर ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट मतलब बेटा सीधी सी बात है, हम आपको क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक दे रहे हैं कि हमारे पासबुक में बैलेंस था सपोज 55,000 रुपीस, बट हमारी कैश बुक में कुछ और था, कितना था वो आपको फाइंड आउट करना, यानी कि आज से आपको कौन से गियर में चलना है, रिवर्स गियर में, जिसे प्लस करते थे उसे क्या कर देंगे माइनस, और जिसे माइनस करते थे उसे क्या कर देंगे। मतलब बच्चा कई बार कहते हैं सर ऐसा क्यों, बस समझ लो थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, अब हम आपसे वैरायटी चेंज कर रहे हैं। अभी तक आप रोज बीकानेर से दिल्ली जा रहे थे, अब दिल्ली से कहां आना है, बीकानेर। तो करने का तरीका बताइए सर, करने का तरीका क्वेश्चन जैसा अभी तक आप करते थे, इन द सेम मैनर आपको क्वेश्चन सोचना है। एक एग्जाम्पल लेता हूं, बैंक चार्जेस। एग्जाम्पल क्या लिया बच्चों मैंने, हम बोलते थे सर बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्जेस काटा, पासबुक में पैसा क्या हुआ, माइनस, तो हम भी अपनी कैश बुक क्या कर देंगे, माइनस। लेकिन अगर पासबुक बेस आ जाए तो लास्ट में अपने आंसर को क्या कर देना, चेंज कर देना, जिसे माइनस करते थे प्लस, प्लस करते थे। सर ऐसा कब करना है, जब स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली हो पासबुक को, और एंड पॉइंट क्या हो। यहां हम बच्चे को बोलते हैं लास्ट में अपने आंसर से पलट जाना, लेकिन सोचने का नजरिया चेंज मत करना, जैसा पहले सोचते थे इन द सेम मैनर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, बस लास्ट में अपने आंसर को ट्विस्ट कर लेना। एक और एग्जांपल लेता हूं, बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, यानी कि आपका अकाउंट क्या किया, प्लस, तो हम भी अपनी कैश बुक क्या कर लेते थे, प्लस, लेकिन पासबुक बेस आ जाए तो माइनस। रिवर्स गियर में एक बात सुनो, अभी तक आप कहां से स्टार्ट कर रहे थे, कैश बुक। आपने ये चैप्टर के जितने भी पॉइंट सीखे थे वो अकॉर्डिंग टू किसके सीखे थे, कैश बुक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सपोज आपकी कैश बुक में बैलेंस था 10,000, लेकिन ये पासबुक से मैच नहीं कर रहा था, आपने कुछ पॉइंट्स को प्लस किया, कुछ को माइनस किया, और पता चला सच में आपकी पासबुक में बैलेंस कितना था सपोज, तो आपने 10 से 15 तक कैसे पहुंचे, कुछ प्लस किया और कुछ माइनस किया, और एंड पॉइंट में आंसर कितना आया, 15। अब आपको स्टार्टिंग बैलेंस कितना दे रखा है, अब आप सेम प्लस माइनस करके 10 तक पहुंच जाओगे, इसलिए हम क्या करते हैं, रिवर्स। सर कैसे ध्यान रहेगा, अगर स्टार्टिंग का पॉइंट किसका दे रखा है, पासबुक, तो कुछ नहीं करना, जैसे सोचते थे वैसे ही सोचना। इसमें बेनिफिट क्या है, सीधे रास्ते चलना भी आ जाएगा, और लास्ट में आंसर से कब पलटना है, जब आंसर में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का दे रखा हो, तो 15 से वापस किस पे आ जाएंगे। मतलब ये होने ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, बट है तो हमें करना होगा, कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे करोगे। इतनी सी बात, बुक ओपन करो, हम बिल्कुल आते हैं बेटा, और आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर कैश बुक है स्टार्टिंग पॉइंट, सीधे रास्ते चलो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है उल्टे रास्ते चलो, बात खत्म। आ जाओ बेटा बुक ओपन कर लो, जल्दी से बेटा बुक ओपन। यस बच्चों,
और रफ रजिस्टर ओपन रखते हैं तो दी बेस्ट है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ऊपर एक हेडिंग भी लिखा है, व्हेन क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 16, जिस बच्चे ने पॉजिटिव एटीट्यूड रख लिया वो कहता है सर हो गया चैप्टर, और कुछ नहीं बोलता, वो कहता है चैप्टर हो गया खत्म, सीधे रस्ते उल्टे रस्ते तो चलना है, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है बेटा। आइए फर्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है, ऑन 31st March 2020 द पासबुक शोज अ, सर ये कंफ्यूजन होता है सर, ये क्रेडिट प्लस का होता है माइनस का, देखिए इसका भी रास्ता है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। सर कैश बुक के डीआर में ये फेवरेबल ही तो है, ये कैश बुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल, ये कैश बुक का क्रेडिट यानी कि अनफेवरेबल, जिसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं, माइनस का बैलेंस भी कहते हैं, राइट सर। फोर, लेकिन बच्चों क्या पासबुक के अकॉर्डिंग भी सेम होगा? नहीं सर, पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस कौन सा होगा और अनफेवरेबल कौन सा होगा? अब पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है कि बताओ पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा है या अनफेवरेबल कौन सा, और बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज होते ही हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करना है, बेसिक बात करो, बेसिक्स, कैश बुक का फेवरेबल कौन सा है, डेबिट, और अनफेवरेबल कौन सा है, तो पासबुक का उल्टा होगा ना। बच्चा कहता है क्यों, एक बात बताओ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आप बोलो सर हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप तो रिवर्स ही बोलोगे ना, हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपने स्कूल को फीस दी, स्कूल ने भी आपको फीस दी, स्कूल ने फीस ली, इसी बात है, आपने पे की, स्कूल ने रिसीव की, दिमाग लगाइए, सिंपल। तो अभी कौन सा बैलेंस दे रखा है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ये फेवरेबल है, प्लस का बैलेंस। आप अपनी बुक में पेंसिल से मार्क कर सकते हैं, पेन से मत करना, अच्छा नहीं लगेगा, गलत होगा। रफ में तो आप आंसर लिखना चाहें तो सीधा लिख सकते हैं प्लस का 9000। जल्दी 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 नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आ रहा है, और जिस बच्चे ने एक दो क्वेश्चन भी कर लिया ना, फिर आप सच में कर लीजिए, फिर आपके लिए के लिए रहेगा कि अब हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। और जो बच्चे कहते हैं ना होमवर्क है, रिटर्न में करना है, तो फिर वो प्रॉब्लम रहती है, वो कहते हैं जब तक सारे क्वेश्चन नहीं कर लेंगे मजा नहीं आएगा। अरे भाई क्वेश्चन कम कर लो, भले कंसेप्ट समझ गए ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, यही तो अकाउंट्स की खास बात है। तो कंसेप्ट समझने में बेनिफिट क्या है, कम क्वेश्चन से भी काम हो जाता है, और नहीं तो घरों की तरह करते रहे क्वेश्चंस तो भी समझ में नहीं आया। आइए फर्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर हमने चेक इशू करते ही अपनी कैश बुक क्या कर दी थी, माइनस, बट उन लोगों ने, हमारे क्रेडिटर्स ने इसको प्रेजेंट किया ही नहीं, यानी हमारी कैश बुक सच में माइनस, तो वापिस से क्या कर देंगे, प्लस, लेकिन पासबुक बेस है तो माइनस, फाइनल आंसर माइनस, लगा दो माइनस। और किसी को ये टेक्निक अच्छी ना लगे तो आप एक काम करो, रफ में पूरा क्वेश्चन पहले कैश बुक के अकॉर्डिंग कर दो और बाद में आंसर को पलट दो, इतनी सी बात है बेटा। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन इतना तो दिमाग पे कंट्रोल होना चाहिए ना, राइट। चेक इशूड, हमने चेक इशू किया अपने क्रेडिटर को, इशू करते हैं जिसको पेमेंट करना है, जिससे उधार गुड्स खरीदा था, चेक इशूड बट ऑमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर हमने चेक इशू किया लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए, ऑमिटेड वर्ड कभी मत भूलना, जैसे हम बोलते हैं बेटा वर्क करना है, बच्चा कहते हैं ओमिटेड, भूल गए, बच्चे कहते हैं सर सॉरी भूल गए, ओमिटेड मतलब भूल जाना, आप इसे कैश बुक में लिखना भूल गए। अब एक बात बताओ, अगर आप चेक इशू कर रहे हैं, मैंने आपको चेक दिया, पर्सनली सोच के बताना, जब तक कुछ ना लिखा हम क्या मानेंगे, सेम डे नहीं तो दो तीन दिन में आप पैसा लोगे ही लोगे। कौन ऐसा है आप में से तो कहेगा सर मैं तो नहीं लूंगा, मैं अगले महीने लूंगा पैसे, मैं अभी बहुत बिजी हूं, ऐसा होता है रियल लाइफ में। अभी क्या लिखा है पॉइंट, हमने चेक इशू किया मतलब कुछ नहीं लिखा, सामने वाले ने पैसे ले लिए होंगे, हमने मिस्टेक क्या की, मिस्टेक बताओ, कैश बुक में दिखाना भूल गए, अब दिखा दो सर, सर इससे हमारा अकाउंट माइनस हुआ होगा, हमने अभी तक माइनस नहीं किया, अब माइनस कर देते हैं, लेकिन पासबुक बेस है तो प्लस, प्लस कर दो, द फाइनल आंसर विल बी एडेड, प्लस करेंगे बेटा। बच्चा फिर कह रहा हूं यहाँ पे सोच रहे कि सर उसने क्रेडिटर ने पैसे लिए होंगे या नहीं लिए होंगे, कुछ नहीं लिखा तो लिए होंगे ना, आप स्कूल को चेक से फीस दोगे, क्या स्कूल अगले महीने डिपॉजिट कराएगा वो चेक? सर सेम डे एक दो दिन के अंदर अंदर कल्यू गए सर, सीधी सी बात है, बाद में पता नहीं तुम्हारा चेक डिसऑनर हो जाए, सोचिए जरा। नेक्स्ट, चेक पेड इन टू बैंक या डिपॉजिटेड, एक ही बात, हमने डिपॉजिट कराया लेकिन कलेक्ट हुआ ही नहीं,
सर हमने डिपॉजिट कराते ही अपनी कैश बुक क्या कर दी प्लस, बट प्लस हुई नहीं सर, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, चल भाई चल वापस माइनस होगा, वापस क्या कर दिया कैश बुक को माइनस, लेकिन पासबुक बेस है तो प्लस, द फाइनल आंसर प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीमियम पे किया था लाइफ इंश्योरेंस का बैंक ने, हमने एडवाइस दी थी, स्टैंडिंग एडवाइस मतलब हमने एडवाइस दी थी राइट, ठीक है, हमारा अकाउंट क्या हुआ माइनस, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा माइनस, बट पासबुक बेस है तो प्लस, मतलब सेम तरीका चल रहा है, बस लास्ट में आके आप रुकते हैं और आंसर को ट्विस्ट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इतनी सी बात। नेक्स्ट, पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक, हमारे कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, इससे हमारा अकाउंट क्या हो गया प्लस, और हमने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया, हम भी क्या कर देंगे प्लस, लेकिन पासबुक बेस है तो माइनस, खत्म खत्म, वैसे चैप्टर भी खत्म हो गया। अच्छा ऐसा क्या, तो कुछ भी कर ले सर, हाँ हाँ बिंदास आइए, एक क्वेश्चन ढूंढते हैं, लेकिन रफ में मेहनत करनी पड़ेगी आपको, रफ में कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रफ रजिस्टर में प्लस माइनस जरूर कीजिए, भले आपको आता है भले आप कर चुके हैं, रफ में किस प्लस माइनस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन 30 जून 2020 पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 5200, सर इसमें लिखा ही नहीं है ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, आपको आपकी मार्कशीट नहीं मिली लास्ट डे पे, रिजल्ट के समय घूम गई, क्या माने आप पास या फेल। सर एक ही चीज है जो पॉजिटिव अच्छी नहीं लगती, बाकी सब पॉजिटिव अच्छी है, और वो पॉजिटिव कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती, कोविड, बाकी सब चीजें पॉजिटिव है सर, तो कुछ नहीं लिखा तो कौन सा बैलेंस होगा पॉजिटिव, लिख दो इसके आगे छोटा सा प्लस, इसका आंसर प्लस में आएगा, दिस इज फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक राइट। आगे आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट मतलब फर्स्ट से स्टार्टिंग हो रही है, आउट ऑफ द चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 16,000 डिपॉजिटेड, सर डिपॉजिट करते ही हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी प्लस, और मंथ कौन सा, ऊपर ऊपर फर्स्ट शब्द देखिए स्टार्टिंग में जून, हमारा कौन सा महीना चल रहा है इस क्वेश्चन में जून राइट। आगे चलिए क्या लिखा है, सर हमने 16,000 के चेक डिपॉजिट किए थे, 9,000 के तो जून में हो गए, 3,000 के जुलाई में हुए और बाकी हुए ही नहीं, ऐसा रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता रियल लाइफ में। अरे आप चेक डिपॉजिट करा दो, पहली बात फॉरेन कंट्री का तो चेक यहाँ लगेगा नहीं, वहां तो डॉलर्स में हिसाब किताब होता है, इंडिया का कोई सा भी चेक आप डिपॉजिट कराते हो आजकल तो विद इन 2 डेज तो हाइएस्ट है, तो दैट्स व्हाई थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है इंडिया में। ये कह रहे हैं हमने टोटल से कितने के डिपॉजिट किए 16,000 के, कौन से मंथ में, जून ही महीना चल रहा है, 9,000 के तो जून में प्लस हो गए, वेरी गुड, और 3,000 का कब प्लस हुआ, अगले महीने, जो हमारा मंथ नहीं है, और रिमेनिंग तो अभी तक हुए ही नहीं, रिमेनिंग तो अभी तक हुए ही नहीं राइट बेटा। अब एक बात बताओ, हमने कितना प्लस किया था हमारा अकाउंट, कितने रुपीज के चेक से, 16,000, लेकिन सच में हमारा अकाउंट कितने से प्लस हुआ, ओनली 9,000, तो हमें भी कितने से प्लस करना चाहिए 9, जो 7,000 गलती से तो क्या बेटा, वो हमने डिपॉजिट किए थे बट इधर उधर के चेक थे, हमारे अकाउंट में प्लस नहीं हुए, तो 7,000 को वापस क्या करेंगे माइनस, लेकिन पासबुक बेस है तो प्लस, 7,000 प्लस इज द राइट आंसर फॉर दिस पॉइंट। ये ना सर क्यों, क्या हो जाएगा सर, पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा है सर, और नहीं तो एक आम इंसान रहने में क्या प्रॉब्लम है सर, हम नहीं बनना चाहते एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सिंपल सी बात है ना, दिस इज द प्रॉब्लम विद द ऑडियंस। और बाद में क्या होता है, जब आप धीरे धीरे एज बढ़ती है तब सच में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार टीचर्स ने मोटिवेट किया समझाया, हमें नहीं समझाया था किसी ने, हमें तो केवल मारा पीटा था, समझ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई जितने भी बच्चे हैं आप सब तरक्की करें, टॉप से टॉप लेवल पे, एक ही लाइफ मिली है बेटा, और इस संघर्ष के बाद का मजा मैं तो ले रहा हूँ बेटा, मैं तो ले रहा हूँ सीधी सी बात है, सच में इतने कुछ ट्रिप्स एंड ऑल, तो इसलिए हम आपको बार बार मोटिवेट करते हैं, कुछ साल है बेटा ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में मस्ती भी करनी अच्छी बात है, वो भी जरूरी है, नहीं तो मरीज आएंगे पढ़ पढ़ के, ऐसा भी नहीं करना, और इतना आप में से कोई करके होगा, डॉक्टर्स वाले जो साइंस होते हैं ना उनके साथ फिर भी प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो कई बार सच में इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं 19 आवर्स 20 आवर्स 24 में से कह रहा हूँ, और फिर सच में उनकी मेंटली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ऐसे मैंने कई बच्चों को देखा है, कॉमर्स में आज तक किसी को नहीं देखा कि वो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ा और मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया, नहीं सीए भी कभी मैंने नहीं देखा कोई मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया कि इतना पढ़ता था, लेकिन जो ज्यादा पढ़ रहा था ना सीए वे की बात,
वो टैक्स में इतना जुगाड़ू बन गया कि मस्त वाला पैकेज मिला उसको। पैकेज आपको मिलना है कॉर्पोरेट में, आप जाओगे जाओगे तो नहीं तो ठीक है, फिर जियो एक साधारण सी लाइफ। और कॉर्पोरेट की सबसे अच्छी बात बता दूं, आपकी शक्ल सूरत फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखा जाता, एक ही चीज देखा जाता है आपका दिमाग, कि आपके दिमाग में कितनी पावर है, और उसका हम आपको बदले में क्या देते हैं, पैसा। ऐसे से तो वहां पे भी होनी है, क्योंकि सुबह आप जाएंगे मे बी 9:30, इवनिंग में कब पहुंचेंगे नो आइडिया। हाँ हाँ तो कॉर्पोरेट कहते हैं टाइम हमारा पैसा आपका, टाइम हमारा पैसा आपका, सीधी सी बात है, बच्चा ये समझता ही नहीं है बात को, ठीक है ना, इस चीज को समझिए बेटा। चलो बाद में और अच्छे से गाइडेंस देंगे हम आपको, लेकिन ये बात कंफर्म है, जितने बच्चों ने आप में से मेहनत कर ली ना, फ्यूचर में अगर हम आपस में मिलेंगे तो आप हो सकता है सर देखिए आज मैं इस लेवल पर हूँ, और वो आप अपनी मेहनत के बलबूते पे होंगे, शॉर्टकट्स नहीं होते लाइफ में, राइट बेटा, इसलिए हम थोड़ा प्रेरित करते हैं कि। और अब बच्चा कहते हैं सर क्या आप ये बता सकते हो अभी अच्छे नहीं किया तो गारंटी है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, गारंटी तो नहीं है बट प्रोबेबिलिटी, जो मैथ्स का एक सब्जेक्ट है वो यही कहता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आपके आसपास जो वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव होंगी, आपके पेरेंट्स भी कहेंगे यार तू तो बहुत, नहीं तो धीरे धीरे पेरेंट्स भी कहते नालायक है, और बच्चा फिर उसको स्वीकार भी कर लेता है कि सच में मैं, और मैं नालायक हूं तो मैं तरक्की कैसे करूंगा, बात ही खत्म, चैप्टर फिनिश। इसलिए कहते हैं आपके रिलेटिव्स वो भी आपके पेरेंट्स जब मिलेंगे, हाँ यार आपका बच्चा तो अच्छा नहीं कर रहा है ना, कितने 60 आए क्या, फिर आपके पेरेंट्स भी उनसे डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि है ना वो बच्चा कह रहा है बैंगलोर के कॉलेज में एडमिशन लेना या उसको लंदन जाने की इच्छा है, हमारे पास पैसे तो है हम कर तो देंगे, लेकिन फिर रिलेटिव भी सर मुझे नहीं लगता आपके बच्चे में काबिलियत है, प्लीज अपना पैसा खराब मत करो, पेरेंट्स कहते हैं यार बात तो सही है लो बर्बाद। तो क्या होता है पॉजिटिव वाइब्रेशंस कब होंगी, जब हर चीज में आप अभी से विनिंग एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, कौन सा एटीट्यूड चल रहा है आपके दिमाग में, विनिंग, तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा बेटा। मैंने साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिप्लोमा किया है आफ्टर माय एमबीए, मैं बता रहा हूँ, इसलिए वहां पे ये सब चीजें थी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकल क्या चीजें होती है, इसलिए इस चीज को मानो अभी से विनिंग एटीट्यूड, ये नहीं कि विनिंग एटीट्यूड मीन्स 95% जितना अच्छा कर सकती, माइंड में एक ही चीज रहे विनिंग, जो भी करे ना, मस्ती भी करें तो भी टॉप लेवल पे, पढ़ाई भी करें तो भी टॉप लेवल पे, खुलकर जिंदगी जी रहे डियर जिंदगी की तरह, राइट। लेकिन ऐसी काउंसलिंग नहीं मिलने वाली आपको कोई शाहरुख खान से जो उस मूवी में उसको मिली थी, राइट। चलो चलो सेकंड पॉइंट पे आइए, रफ रजिस्टर रेडी रखिए। आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹45,000 ड्रॉन या इश्यू, एक ही बात, आपने लोगों को चेक्स दिए टोटल कितने के थे 45,000, 7500 के तो प्रेजेंट हो गए, मतलब माइनस हो गए जून में राइट, जून मंथ में। चेक्स 18,000 जुलाई, सर हमें क्या मतलब, हमने टोटल इस मंथ में कितने रुपीस के चेक्स ड्रॉ किए थे 45,000, हमने अपनी कैश बुक कितने रुपीस से माइनस की, लेकिन इस मंथ में हमारे अकाउंट से सच में कितना पैसा माइनस हुआ, ओनली 7,500। अब एक बच्चा कह रहा है इसके बाद वाली वैल्यू कितनी है, इसके बाद वाली वैल्यू, अब रिमेनिंग से कुछ लेना देना नहीं है, वो बाद में हुआ, करंट मंथ में हमारा अकाउंट केवल 7500 से क्या हुआ है माइनस। सर हमें भी इसी अमाउंट से माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों का बैलेंस क्या हो जाए इक्वल, डिफरेंस आया 37,500, उसे क्या कर देना चाहिए प्लस, लेकिन पासबुक बेस है तो लैंग्वेज भी सेम लिखनी है, बस आंसर को चेंज करना है, लैंग्वेज में भी चेंज नहीं है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट सेम, लेकिन आंसर किसमें आ गया माइनस, राइट। आगे चलिए नेक्स्ट, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, मतलब प्लस कर दिया, सर हम तो बहुत खुश हैं ऐसी गलती से, बैंक ने प्लस किया हम भी प्लस कर देंगे सर, लेकिन पासबुक बेस है तो माइनस, द फाइनल आंसर विल बी माइनस का 3400। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, ये लीजिए ये होती है पेमेंट साइड, कैश बुक पे रिविजन हो रहा है सर, ये रिसीट साइड, पैसा आता है तो प्लस, जाता है तो माइनस, यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने कुछ कम लिखा या कुछ ज्यादा, ज्यादा के लिए ओवरकास्टेड, कम के लिए अंडरकास्टेड, अभी क्या वर्ड लिखा है अंडरकास्टेड, मतलब यहां पर हमें जो माइनस करना था हमने कुछ कम माइनस कर दिया गलती से, सपोज माइनस करना था 5000, आपके अकाउंटेंट ने गलती से यहां पे लिखा 500, मतलब 4500 रुपए कम माइनस किए, तो और कर देंगे सर, यहां पर कितना कम माइनस किया 200, मान लो आपको यहाँ पे 2000 माइनस करना था, आपने गलती से आपके अकाउंटेंट ने 1800 लिख दिया बाय मिस्टेक, 200 रुपए कम माइनस किए, सर हम कर देंगे सर,
हम कर देंगे 200 रुपया जो माइनस करना था 200 कम माइनस किया सर हम कर देंगे माइनस, लेकिन पासबुक बेस है तो प्लस, प्लस का 200, प्लस का 200 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन जून, आपने तो चेक्स थे कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिए, बट एक बात सुनो, मुझे चेक मिला, आप में से चार बच्चों ने मुझे चेक दिया, हाँ अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर लो इसको, तो इसके साथ साथ चेक बैंक में भी तो भेजो, आगे क्या लिखा है, बट सेंट टू द बैंक इन जुलाई, ये क्या मजाक हुआ भाई, करंट मंथ में चेक मिले आपको, आपने अपने अकाउंटेंट को कहा भाई रिकॉर्ड कर ले जल्दी से, लेकिन बैंक में इस महीने भेजा ही नहीं, भूल गए, बिजी थे, सीजन चल रहा था बहुत सारा, वो चेक आपके अंदर ही पड़े रह गए ड्रॉवर के अंदर, लक्ष्मी माता वाला जो काउंटर होता है आपका, क्या बोलते हैं गल्ला, गल्ले में इधर उधर छुपे रह गए, और आप इतने बिजी थे, इतना अच्छा सीजन चल रहा था आपका, कई बार ऐसी मिस्टेक हो भी सकती है। तो एक बात बताओ, कैश बुक में तो प्लस कर दिया, लेकिन ये चेक बैंक में आपने भेजे नहीं, तो क्या प्लस हो जाएगा पासबुक, सर चेक तो बैंक में गया नहीं, प्लस हो गया नहीं, वापिस से क्या करो माइनस, लेकिन पासबुक बेस है तो प्लस, फाइनल आंसर होगा प्लस, प्लस का जो भी अमाउंट है 2500। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, अ चेक ऑफ 20,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक, डिपॉजिट करते सर हम तो प्लस कर देते हैं कैश बुक, चेक डिपॉजिट किया कैश बुक प्लस कर दिया, लेकिन ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और हमें सूचना ही नहीं मिली, हम तो खुश थे भाई, मुझे चेक पता है किसने दिया था, इस दिव्यांशु कालरान, मैं खुश, मैंने इसको थैंक यू भी बोला था भाई, थैंक यू तूने टाइम पे पेमेंट कर दिया, और मैं खुश हो रहा, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, मैंने एक दो को चेक से पेमेंट भी कर दिया, समझ रहे हो, चेक दे दिया, मतलब मैंने कहा चेक आया ठीक है मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मैंने उनको दो दिन आगे का चेक दे दिया अपने क्रेडिटर्स को, और बाद में पता चला कि ये चेक तो क्या हो गया, डिसऑनर। अब बाद में ठीक है मैं इसको गाली गलौज करूं, प्यार से बोलूं, जो भी बोलूं, वेज नॉन वेज वो अलग मैटर है, लेकिन मेरे अकाउंट में मैंने कैश बुक प्लस कर ली थी और पासबुक प्लस नहीं हुई थी, तो चल भाई कैश बुक वापिस से क्या हो जा माइनस, माइनस करेंगे, लेकिन पासबुक बेस है तो प्लस, प्लस का आंसर 20,000। जनरली ये मंथ के एंड में ही होता है जब आप पासबुक लाते कंपेरिजन करते और पता चलता है ये क्या हो गया, समझ रहे बेटा, डन, एक और क्वेश्चन कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स कुछ जनरल नॉलेज की बात भी करते हैं, अकाउंट्स की जनरल नॉलेज, अगर किसी भी चेक के एक ऑर्डर में आपने स्टार्टिंग में, सुनना ये मैं चेक बना रहा हूं जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने यहां पर दो लाइन ड्रॉ कर दी लक्ष्य पारिक, अगर हमने यहां पे दो लाइंस ड्रॉ कर दी, इट मींस इस चेक का इमीडिएट पेमेंट हो ही नहीं सकता। सपोज आपने बेटा मुझे चेक दिया ठीक है, और दो ऑप्शंस है, सबसे पहले जो दो ऑप्शंस रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज टू हैं, दैट इज पहला ऑप्शन, आपने ये क्रॉस लाइन नहीं की, आपने ब्लैंक चेक दे दिया अमाउंट लिखकर, या फिर उसके ऊपर क्या लिख दिया सेल्फ, क्या लिख दिया बेटा सेल्फ। अब इस चेक का पेमेंट कोई भी ले सकता है, लेकिन कौन से बैंक से, थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आपने मुझे चेक दिया बेटा कीर्ति एक्सिस बैंक का, कौन से बैंक का बेटा, और मेरा अकाउंट था बेटा कौन से बैंक में, यस बैंक, मेरा अकाउंट था बैंक ऑफ बड़ौदा, तो मेरा फेवरेट है वैसे, उसी में 13 साल से मेरा अकाउंट चल रहा है, और मैक्सिमम बहुत अच्छा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा बेटा, भीड़ कम और सेटिस्फेक्शन ज्यादा, एसबीआई में भीड़ भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं, भीड़ ही भीड़ है एसबीआई में, मैक्सिमम लोगों के सैलरी अकाउंट, सीनियर सिटीजन के पेंशन अकाउंट, परेशान करते रहते हैं वो बैंक को सब जने, और बैंक ऑफ बड़ौदा ये येस बैंक, यहां पर कोई टेंशन इतनी भीड़ नहीं है, एक्सिस बैंक इज ऑल्सो अ गुड बैंक। अब सुनना बेटा कीर्ति, आपने मुझे चेक दिया कौन से बैंक का, क्या वर्ड लिखा सेल्फ, अब मुझे पैसा चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मेरे बैंक नहीं जाना, मैं आपके बैंक जाऊंगा, कैश काउंटर पे वो चेक रिड्यूस करूंगा, कैशियर कहेगा सर पीछे दो साइन कर दो, क्या कर दो पीछे दो, इमीडिएट विद इन अ मिनट टाइम मुझे पेमेंट मिल जाएगा, अगर भीड़ है तो वो तो एक अलग बात है, मतलब पेमेंट सेम डे सेम टाइम मिल जाएगा, लेकिन कीर्ति अगर आपने चेक के ऊपर क्या कर दिया दो लाइंस, भले इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, और लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मतलब जो मैं लिख रहा हूं वो ना लिखो तो भी चलेगा, इसका मीनिंग सेम है, इट इज नोन एज अकाउंट पे, इट इज नोन एज, अब ये चेक, अच्छा भले आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, जिन लोगों के पास अच्छा खासा टाइम होता है वो लिखते भी है ए स्लैश सी अकाउंट पे, पूरा अकाउंट नहीं ए सी सी ओ यू एन टी, इतना स्पेस थोड़ी ना होता है,
A/C अकाउंट पे, नहीं लिखोगे दो लाइंस का मतलब भी क्या है अकाउंट पे, अब सेल्फ नहीं हो सकता, अब आप जिसको चेक दे रहे हो इट मींस आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, ओवरराइटिंग मत कर देना नहीं तो चेक बाउंस हो जाएगा, यू कैन नॉट डू ओवरराइटिंग। अब इस चेक का क्या होगा सुनना, अब मुझे एक्सिस बैंक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब मैं बैंक के पास जाऊंगा, एक फॉर्म फिल करूंगा छोटा सा, पे इन स्लिप बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं पे इन स्लिप, उसके अंदर इस चेक की डिटेल्स भरूंगा, नीचे 6 डिजिट का नंबर होता है, 6 डिजिट का नंबर, वो डिजिट मैं फॉर्म पे फिल करूंगा अपने बैंक में, विच इज ऑन यस बैंक, मैं अपने यस बैंक में जाके ये चेक डिपॉजिट करूंगा, इट विल टेक मिनिमम टू मिनिमम 1 or 2 डेज टाइम, मेरे अकाउंट में यस बैंक में ये पैसा क्या हो जाएगा एक दो दिन में प्लस हो जाएगा और आपके अकाउंट से क्या हो जाएगा माइनस। अब मान लीजिए कोइंसिडेंटली अगर मेरा बैंक भी एक्सिस बैंक ही है, मेरा अकाउंट भी कौन से बैंक में, सेम डे मेरे अकाउंट में पैसे क्या हो सकते हैं प्लस, क्योंकि बैंक को क्लियरिंग हाउस ये चेक भेजना नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों अकाउंट सेम बैंक में। तो इस कंडीशन में अगर मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो मैं बैंक के पास जाके एक डायलॉग बोल सकता हूं, मैम सर डेबिट क्रेडिट कर दो, क्या कर दो, मतलब कीर्ति का अकाउंट डेबिट कर दो और मेरा अकाउंट क्या कर दो क्रेडिट, बैंक कर भी देगा विद इन 5 to 10 मिनट से काम हो जाएगा क्योंकि दोनों के अकाउंट सेम बैंक में। लेकिन अगर मेरा बैंक दूसरा है, यस बैंक है, SBI है, कोई और बैंक है, तो इन दोनों के बीच में एक दिन कहां पे रहेगा चेक, क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस। अब आई थिंक 4-5 बन गए, पहले तो एक ही था, मैंने आपको बताया भी था, वहां पर समझ लो इस चेक की जांच पड़ताल होती है, ऑनलाइन चेक किया जाएगा कीर्ति गद्दार तो नहीं है, कीर्ति के अकाउंट में पैसे तो हैं, सब कुछ ओके है, यस। तो पहले हाइपोथेटिकली आर्टिफिशियली कीर्ति के अकाउंट से पैसे माइनस होने का मैसेज आएगा, मेरे पास मैसेज आएगा मेरे अकाउंट में एक चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन अभी पैसे नहीं आए, अगले दिन जाकर कीर्ति का अकाउंट सच में माइनस हो जाएगा और मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा प्लस। अब बताओ बेटा क्या डाउट है, दिल्ली से अगर मुझे चेक मिला एक्सिस बैंक का तो भी मेरे अकाउंट में सेम डे अगर मैं एक्सिस बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं, इतना अच्छा कनेक्टिविटी हो गया है, PNB ऑल ओवर इंडिया, चेक कैश नहीं बोलूंगा, अगर मुझे आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं एक्सिस बैंक में, बेटा लवली आप पहुंच गए दिल्ली, आप एक कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, अब आपके पेरेंट्स आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं और आपका अकाउंट दिल्ली में ओपन है, सपोज दिल्ली के एक्सिस बैंक में, और आपके पेरेंट्स कह रहे हैं बीकानेर से एक्सिस बैंक गए और वहां पे आपके अकाउंट में पैसे जमा करा रहे हैं कैश, कुछ चार्जेस लग सकते हैं, कुछ चार्जेस बैंक काटते हैं क्योंकि आप बाहर के किसी के खाते में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक थोड़े चार्जेस काट सकता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट बीकानेर है, आप बाहर हो, उसमें कोई टेंशन नहीं, आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो बैंक के टर्म्स से जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है बेटा, नॉलेजेबल है, ठीक है, क्लास ओवर बेटा, डन। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके सारे क्वेश्चन करो और अगर डाउट है तो फोटो क्लिक करके भेजो, ऐसे मत भेज देना क्वेश्चन नंबर 16 बताओ, फोटो शुड बी देयर। अब ईमानदारी से कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल करना, कल इसके OTQs डिस्कस कर लेंगे, राइट, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।